कोई जिदा कहें ना कि पराठे से मखण पिघल जाता है कई लोगों की समाइल इदा की होंगी है कई लोगों का औरा इदा का होंगे मेरी अच्छ गैसट उ है जी 22 साल पहले ट्वेंटी टू ईयर बैक मैं उन्होंने समाइल करते देखा पी टी सी शो के इसे बहुत बहुत स्वागत जी मेरा ना यू भी है एंड मेरे ना जिदा का ना उदा का काम रानी गुफिर जी वेलकम टू पी टी सी थैंक यू मैं ट्वेंटी टू ईयर पहला आई सॉ यू विद दैट समाइल एंड मेरे को ना जिस दिन भी मैं मैं रानी मुखर्जी से मिलूंगा उनसे पूछूंगा नंबर 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 और बताओ बताओ आवाज या स्माइल 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 आप ही बताओ. तो <laughs> तो तो ठीक okay, है डेफिनेटली एब्सोल्युटली ओके बिफोर थोड़ी थोड़ी तो मेरी दादी में हाँ जी. है. रानी बहुत सारी बोल

Kept saying that there should be a sequel. There should be Mardani too because Shivani Shivaji Roy is a character mm. uh, kind of resonated with a lot of women, a lot of uh, people, mm. you know, as in uh, because she stands as a true embodiment for uh, woman empowerment. Mm. And I think the writer and the filmmaker uh, they were like, uh, if we do make a film which is a sequel, it should have a very very स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लाइक इट हेर इन द फर्स्ट पार्ट जैसे हम लोग ने ट्राई चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात की थी आ, तो ज़रूरी था कि अगर मर्दानी टू कभी भी बने तो एक ऐसे मुद्दे पे बने जो आजकल के ज़िंदगी में हमारे बहुत रिलेटेबल है और एक जो मैसेजिंग है वो बहुत क्लियर हो जैसे कि मर्दानी वन में हमारा मैसेजिंग था कि औरतें या बच्चियों को कि प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस क्राइम क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसी एक जो घिनौनी चीज़ जो हो रही है ना ही हमारे देश में बट हमारे देश के बाहर भी एक बहुत बड़ा एक सिंडिकेट है जहाँ लड़कियाँ अगवा कर लिए जाती है बच्चियाँ अगवा कर लिए जाती है और ये चीज़ें सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती ये चीज़ें हमारे शहरों में हो रही है स्कूल्स के बाहर कॉलेज के बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर और वो जो एक मैसेजिंग थी वो लोगों तक बहुत अच्छी तरह से पहुँची जब हम मर्दानी टू की बात करते हैं वी हैव आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ रेप ये जो निर्भया केस के बाद हमारे कंट्री में जो रेप केसेस उनकी बातें अब तक बंद नहीं हुई है हर रोज कोई ना कोई इंसिडेंट हमें सुनने को आता है सो इट्स काइंड ऑफ जो मैसेजिंग हम देना चाहते हैं कि प्लीज़ जितनी लड़कियां हैं जितनी औरतें हैं प्लीज़ अपने आप को सुरक्षित रखें प्लीज़ बी अवेयर एंड प्लीज़ बी विजिलेंट एट ऑल टाइम्स क्योंकि आज कोई बंदा जो है दिखने में कैसा हो वो नहीं कहता कि वो कुछ रॉन्ग करने आए आज एक बंदा अठारह साल की कम उम्र का भी हो लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको क्या पता तो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दीज नेमलेस फेसलेस एजलेस क्रिमिनल्स

इट हर्ट्स मी इट पें्स मी एंड शायद निर्भया केस के बाद जो गुस्सा पूरे देश में था वो सेम गुस्सा मेरे अंदर भी था वो सेम दुख या वो फीलिंग कि वो लड़की पे क्या गुजरी होगी वो सोच के भी ऐसे दिल एकदम मतलब मतलब हिल जाता है मतलब पूरा शरीर हिल जाता है दिमाग दिमाग काम नहीं करता है और शायद वो जो गुस्सा है मैं अपने तरीके से एज अ परफॉर्मर एज अ person हु इज involved in films मैंने मरदानी one के character के through मेरा जो गुस्सा है उसको channelize किया अगर आप मरदानी टू का trailer देख के मुझे बोलते कि रानी आपका aggression कहाँ से आता है तो शायद यही सब गुस्सा जो मेरे अंदर बसा हुआ है ये सब crimes के against mm -hmm. शायद वही गुस्सा मेरे शायद मैं उसको एक्सप्रेस कर पाती हूँ मेरे कैरेक्टर के थ्रू mm -hmm. क्योंकि एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री हम लोग लॉ मेकर्स नहीं हैं mm -hmm. हम आवाज़ उठा सकते हैं हमारी जो आवाम है हम आवाज़ उठा सकते हैं एज अ परफॉर्मर हम अपने फिल्म के थ्रू एक मैसेज दे सकते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सोचने की बात है कि हम इसके आगे कितना हम कॉन्वर्सेशन करें कितना डिबेट करें हमें अभी सल्यूशन ढूंढना है कि हम अपनी बच्चियों को हम अपनी औरतों को हम अपनी लड़कियों को किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं हमें यह सोचना चाहिए कि घर में जब एक आदमी अपनी औरत से बात करता है अपनी बीवी से बात करता है क्या वो इज्जत से बात कर रहा है क्या वो अपने बच्चे के सामने क्या एग्ज़ाम्पल पेश कर रहा है वो अपनी माँ के साथ अपनी बच्ची के साथ अपनी बीवी के साथ किस तरह से पेश आ रहा है अगर वो बदसलूकी कर रहा है और वो जो औरत है उसको सह रही है वो भी गलत है क्योंकि जो बच्चा है छोटा बच्चा शायद वो अगर लड़का है तो उसका मैसेजिंग किया जाता है कि मेरी माँ के साथ बदसलुकी हो रही है तो शायद हर लड़की के तो साथ देख, हम देख, देख, कर सकते हैं जो लड़की देखती है छोटी बच्ची जो देखती है उसे लगता है कि शायद ऐसा ही होता है तो ये सब जो चीज़ें हैं हम अनकॉन्शियसली सब कॉन्शियसली हम जब करते हैं हमें नहीं। पता नहीं चलता कि एक बच्चे पे क्या असर हो रही है तो शायद हमें एज अ सोसाइटी एज अ कम्युनिटी हमें ये सब सारी चीज़ों को भी मद्देनजर नज़र होगी कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ऊपर से हमें स्कूल्स में कॉलेज में शायद सेल्फ डिफेंस क्लासेस कंपलसरी करना होगा हमें अवेयरनेस क्रिएट करना होगा अपनी बच्चों के साथ बात करना होगा कि प्लीज़ अपने आप को सुरक्षित रखिए

काम कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के वो रात रात भर हमारे लिए हमारी सुरक्षा के लिए घूमते रहते पेट्रोलिंग करते रहते हैं मतलब टाइम आने पर वो कूद जाते जैसे कि हमारे मुंबई में जब अटैक्स हुए थे तब कितने लोगों ने अपना अपनी जान मतलब गवा दी क्योंकि वो चाहते थे कि मतलब मुंबई सुरक्षित रहे तो ऐसे कितने इंस्टेंसेज हैं हमारी पूरी देश में जहाँ पे हमारे जो कॉप्स हैं हमारे जो पुलिस के अफसर है वो अपनी जान देने के लिए मतलब खड़े हो जाते हैं तो शायद हमें ये सोचना चाहिए कि जब वो ये खाकी वर्दी पहनते हैं तो खाकी वर्दी के साथ एक सेंस ऑफ ड्यूटी आती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है mm -hmm. और जब एज एन कैरेक्टर हमें उसे पेश करना पड़ता है mm -hmm. और हमें अगर उनकी रूम mm -hmm. में उतर के वो काम करना पड़ता है तो शायद कहीं ना कहीं हमें भी वो फीलिंग आती है mm -hmm. कि अगर हमें ये पोट्रे करना है mm -hmm. और अपने बेस्ट वुड से बेस्ट इंटेंशन से उसको पोर्ट्रेट करना है तो वी हैव टू टू बी ट्रू व्हाट द यूनिफॉर्म फॉर स्टैंड ट्रैफिक पुलिस को छोड़ देते हैं एक लिए। उसके अलावा कभी पुलिस स्टेशन गए पुलिस ऑफिसर से डायरेक्ट पाला पड़ा हाँ पाला पड़ा है ना क्योंकि हमारे मुंबई में पुलिस के यहाँ क्योंकि मुंबई पुलिस और हम मतलब बॉलीवुड का बहुत प्यारा रिश्ता है हर साल वो लोग एक मतलब उत्सव करते हैं जहाँ पे सारे तो तो परिवार और मतलब पुलिस अफसर साथ में आते हैं और हम सब जाते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं और वैसे भी मुंबई पुलिस और हम जो मुंबई में रहते हैं मतलब मतलब ऐसा बातचीत होती रहती है मतलब सड़कों में ऐसे हम लोग जा रहे हैं तो पुलिस स्टेशन नहीं कर रहे

Because, see, my audiences have kept me relevant till uh, today. It's not easy to be in an industry and work for 23 years and still be relevant and doing a film which I'm like heading. Mm -hmm. um, so, for me, I've always believed that my fans have been very loyal. Mm -hmm. uh, in spite of the social media boom, which I'm not on, they keep me relevant on social media as well. So, I think I have a lot to be in, um, uh, I would say. Um,

और जितने लोग देखेंगे उससे ही आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो मैं तो हमेशा चाहूँगी कि मेरी फिल्म बहुत चले बहुत सारे लोग देखें क्योंकि वो तो सबसे बड़ी चीज़ एक आर्टिस्ट के लिए होती है कि आप काम किस के लिए कर रहे हो right. आप काम इसलिए कर रहे हो कि दर्शक आके देखें आपके काम को और बोले कि अच्छा काम किया या बुरा काम किया या एक कुछ बोले और फ्राइडे के

लोग मुझे पसंद करते हैं या लोग मेरा काम देखना पसंद करते हैं तो अगर मैं फ्राइडे को टेंशन में नहीं रहूं कि उनका क्या व्यक्तित्व है कि वो क्या सोचते मेरे काम के बारे में, तो फिर तो मैं नहीं। तो आपको भी करते हैं। अगर कोई ऐसा बोले अच्छी नहीं लगी फिल्म को या कुछ उस पर डिस्टर्ब मैं नहीं कहूंगी लेकिन बुरा तो लगता ही है क्योंकि डिस्टर्ब एक अलग चीज होती है मतलब बुरा लगना एक अलग बात मेहनत की हो और हाँ, सब... तो तो बुरा लग मतलब लगे गए, लेकिन फिर भी आनल, मतलब एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि उनको क्या नहीं पसंद आया right. क्या कहानी नहीं पसंद आई क्या मेरा काम नहीं पसंद आया right. और अब तक तो टचवुड ऐसा हुआ है कि जब मेरी फिल्म नहीं भी चली है तो एटलीस्ट ऑडियंस ने मेरे काम को कभी मतलब नकारा नहीं है अब तक right. फ्यूचर की तो मैं नहीं बोल सकती लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है मर्दानी का सीक्वल सीक्वल वाज़ फर्स्ट फिल्म जिसका बना साल के करियर में कौन सी एक और ऐसी फिल्म है डीप डाउन इन योर हार्ट जो आपको लगता इसका फिर से बनना चाहिए मेरे साथ ही एकदम नहीं मुझे नए नए रोल्स करना है ओके <laughs> okay. सबसे ज्यादा खर्चा रानीपुर जी किस चीज पे करती है मेरी बेटी पर वाओ दैट्स स्वीट आपके बारे में एक र्यूमर जो आप फैलाना चाहोगे कि काशी रूमर फैल जाए हर जगह uh, कि आई एम हैविंग अ सेकंड बेबी इतनी क्यूट है मतलब खर्चा भी पहली बेटी पे और दूसरी बेटी का रूमर ओके okay. क्या चीज है जो आपको हंसाती है